वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो के बारे में। आज है आपका 10 अक्टूबर, यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं 24,990 के आसपास की क्लोजिंग है, 16 पॉइंट्स की तेजी है 0.07%। बैंक निफ्टी की बात करते हैं 51,530 के आसपास की क्लोजिंग है, 523 पॉइंट्स की शानदार तेजी है 1.03%। होल्डिंग्स की बात होते हैं तो 20 होल्डिंग्स है मेरे पास। इन्वेस्टेड वैल्यू 313,583 है। करंट वैल्यू की बात करते हैं 317,094 है। टोटल रिटर्न्स की बात करते हैं 3,511 है, 1.12% की तेजी है। एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं 747 रुपीज़ की तेजी है, 0.24% की तेजी है। बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, सबसे पहले बात करते हैं पावर ग्रिड इंफ्रा की। यहाँ पे 1,150 शेयर है मेरे पास, 9,600 रुपये डाउन है, लगभग 8.5% डाउन है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे 230 शेयर से 1,950 रुपये की तेजी है, लगभग 6.5% के रिटर्न से। बोलिए हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 10,000 रुपये के रिटर्न से 10,290 के आसपास 85% की तेजी है। एंजल वन की बात करते हैं तो 8 शेयर से मेरे पास 5,680 रुपये के आसपास की गिरावट है, 21% डाउन है। आईआरबी इनबिट फंड की बात करते हैं, यहाँ पे भी 300 शेयर से 1,000 रुपये डाउन है, लगभग 5.5% की गिरावट है। ONGC की बात करते हैं 64 शेयर से मेरे पास 448 रुपीज़ की बड़ी गिरावट है, 2.37% डाउन है। SCL टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 शेयर से 4,442 रुपीज़ की पॉजिटिव रिटर्न है, 32% के रिटर्न से। ITC की बात करते हैं, यहाँ पे 33 शेयर से मेरे पास 1,850 रुपये के आसपास की तेजी है, लगभग 13% के रिटर्न से। HUL की बात करते हैं 5 शेयर है मेरे पास 1,435 रुपये के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न से, लगभग 11.5% के रिटर्न से। नेस्ले इंडिया की बात करें, यहाँ पे 109 रुपये के नेगेटिव रिटर्न से 1.07% डाउन है। ब्रुकलाइन फील्ड रेट्स की बात करते हैं 581 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से 7% की तेजी है। माइंडस्पेस बिजनेस रेट्स की बात करते हैं 20 शेयर से मेरे पास 575 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से, लगभग 8.5% की तेजी है। राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 शेयर से मेरे पास 464 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से 7.98% डाउन तेजी है। उज्जीवन फंड्स फाइनेंस बैंक में 131 शेयर से मेरे पास 1,930 रुपये की गिरावट है, 26% के रिटर्न से। SBI की बात करें, यहाँ पे 6 शेयर से मेरे पास 91 रुपीज़ की तेजी है, 1.96% के रिटर्न से। निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT की बात करें तो 81 शेयर से मेरे पास 537 रुपीज़ की तेजी है, 17% के रिटर्न से। भारत हाईवेज की बात करते हैं 30 शेयर से मेरे पास 147 रुपीज़ की तेजी है, 4.53%। IOCL की बात करते हैं 11 शेयर से मेरे पास 85 रुपीज़ डाउन है, 5% की गिरावट है। नेक्सा सिलेक्ट ट्रस्ट की बात करते हैं 34 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से 3% की तेजी है। NREC की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 रुपये के नेगेटिव रिटर्न से 1.64% की गिरावट है। तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो का अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप वो वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। किसी वीडियो सबको मिलते रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।